दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने दिल्ली में चल रहे नकली दवाओं के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के डीसीपी राकेश बावरिया ने बताया कि पुलिस को अप्रैल में सूचना मिली थी कि दिल्ली में बड़ी मात्रा में नकली दवाइयों का कारोबार किया जा रहा है। पुलिस ने सूचना के आधार पर दरियागंज और भागीरथ पैलेस में छापेमारी की, तीन लोगों को गिरफ्तार किया, भारी मात्रा में नकली दवाएं भी बरामद की। इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इस तरह की दवाई, नकली दवाई का धंधा चल रहा है दिल्ली में, और इसमें हमने फिर दरियागंज और भागीरथ पैलेस में हमने रेड किया और तीन जगह रेड किया, टेरी व्हाइट, श्रीराम इंटरनेशनल, और उसमें फिर तीन लोगों को अरेस्ट किया, और उसके चलते उसके बाद हमने जो है काफी दवाइयों को वहां से सीज भी किया। ड्रग इंस्पेक्टर भी हमारे साथ थे, टेस्टिंग के लिए उनको भेज दिया गया है, और उसमें से दवाएं नकली भी मिली हैं। फिर उसके बाद जो है कुछ और हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि ये जो है इनका लिंक कोई फॉरेन नेशनल से भी है। तो 14 मई को हमने एक मोहम्मद मुनीर करके, जो सीरियन नेशनल है, वहां से दवाएं जो लेके आता था, नकली दवाइयां लेके आता था, उसको भी अरेस्ट किया। सीरियन नेशनल है और ये दवाइयां जो है वो टर्की के लिए बाउंड थी, क्योंकि ये दवाई इंडिया में आ ही नहीं सकती थी, बैंड थी, लेकिन वहां सस्ती है और यहां महंगी बिकती है।